हेलो, मेरा नाम विक्की रॉय है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूँ। और मैं पिछले 4 साल से एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है एवरी वन इज गुड एट समथिंग। उसके लिए मैं पूरे इंडिया के 28 स्टेट और 8 यूटी ट्रैवल कर चुका हूँ। और उसमें मैं रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, हर जगह में, मतलब मैं डिसेबल लोगों के घर में जाता हूँ और उनके घर में जाकर उनकी फ़ोटोग्राफ में शूट करता हूँ। एंड फिर हमारी टीम उनको फ़ोन करके इंटरव्यू करते हैं और उनकी कहानी लिखते हैं। और उसके बाद हम हर एक हफ्ते उनकी कहानी एक वेबसाइट जो हमने बनाया एवरी वन इज गुड एट समथिंग उसमें हम पब्लिश करते हैं। तो हर हफ्ते एक स्टोरी हम पब्लिश करते हैं, तो एक हफ्ते एक मेल स्टोरी, एक हफ्ते एक फीमेल स्टोरी, ताकि जो रेशो है वो 50-50 बराबर रहे। और अभी तक इस प्रोजेक्ट में हमने टोटल जो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट जो 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, तो वो सारी 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हमने इसमें कवर किया है। इस फील्ड में जो मैं काम कर रहा हूँ, इसमें आने का एक रीज़न ये है कि जब कोविड आया था 2020 में, तो उस समय दिसंबर में एक पैनल डिस्कशन था जिसमें मैं और वीआर फिरोज हम लोग पैनलिस्ट थे। और मुझे अपने फोटोग्राफी के ऊपर बात करनी थी और फिरोज भाई को अपने जो डिसेबिलिटी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उन्होंने उनके ऊपर बात किया। तो मैंने फिरोज भाई को बोला कि फिरोज भाई, मैं पैसे दे करके आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ आप जो काम कर रहे हो, बट मैं अपने फोटोग्राफी के थ्रू ज़रूर मदद कर सकता हूँ। तो फिरोज भाई ने कहा कि देखो, मेरे दिमाग में है कि ना, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि जैसे ह्यूमन ऑफ बॉम्बे, ह्यूमन ऑफ न्यूयॉर्क जो इनिशिएटिव चलाते हैं, उसी तरह का इनिशिएटिव अगर हम डिसेबिलिटी में स्टार्ट कर सके। और मैं बहुत टाइम से एक ऐसा फोटोग्राफर ढूँढ रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इसको करना चाहते हो तो डेफिनेटली हम इस पर वर्कआउट करते हैं और काम करते हैं। तो हमारी कई सारी मीटिंग हुई, मैंने अपने बहुत सारे कैंपियन के फ़ोटो उनके साथ शेयर किया, काफ़ी सारे डिस्कशंस हुआ। तो जब सारा डिस्कशंस हुआ तो फिरोज भाई ने फिर मुझसे पूछा कि ठीक है विक्की भाई, तो आप कितना लोगे इस शूट के लिए, पर शूट के लिए? तो मैंने कहा कि फिरोज भाई, मैं पैसे नहीं लूँगा, वॉलेंटियरली इस काम को कर दूँगा। स्पेशल के देखो विक्की भाई, 1-2 साल में कोई चेंजेस नहीं आता है। आप अगर ये प्रोजेक्ट करोगे तो आपको एटलीस्ट 10 साल काम करना पड़ेगा। तो कोई भी चेंज आने के लिए 10 साल लगता है। तो बोला कि अगर आप 10 साल काम करोगे तभी किसी चीज़ में कोई बदलाव आता है। तो मैंने उनको कहा कि डेफिनेटली मैं आपको 10 ईयर्स वॉलेंटियरिंग कर दूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह से स्टार्टिंग हुई हमारी ये प्रोजेक्ट। सो उससे पहले तो मुझे डिसेबिलिटी फील्ड का बहुत नॉलेज नहीं था। और जब हम किसी को देखते थे तो नज़रिया भी एक डिफरेंट तरीके का था। बट जब इस फील्ड में काम करना चालू किया, लोगों से मिलना चालू किया, बहुत इंस्पायर भी हुआ लोगों से मिल करके। जब मैं लाइक गांव में जब जाता था और उनके घरों में शूट करता था, तो सभी कोई अपनी कहानियाँ बताते थे कि क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया, अभी क्या उनको मिल रहा है। तो जैसे मुझे जो अब सभी कोई एक इनिशिएटिव की बात करता है, जो गवर्नमेंट से पेंशन मिलता है उनको, तो मैंने देखा जो बहुत गरीब घर है और उनके लिए ये पेंशन एक तरीके का अमृत का काम करता है। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि किसी के घर में अगर कोई डिसेबल बंदा पैदा हो गया तो उनको लगता है कि ये हमारे लिए बोझ है हमारे सर पे, बट उसके बाद उनके पास उनका केयर करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो जब क्या होता है, गवर्नमेंट से उनको हर महीने थोड़ा सा पैसा मिलता है, तो उसके वजह से उनको घर में रिस्पेक्ट मिलता है। क्योंकि घर वालों को पता है कि इनके वजह से हर महीने भले वो 700 रुपये आ रहा, कहीं पे 1000 रुपये आ रहा, कहीं पे 1500, कहीं पे 2000, जितना भी अमाउंट आ रहा वो उसके वजह से आ रहा। तो इस वजह से उनको घर में थोड़ा सा केयर मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि इनके वजह से ये पैसा आ रहा। तो वो मैंने एक बदलाव देखा कि लोग किस तरीके से थोड़ा उनको। और उसके बाद जब मैं फ़ोटो खींचने जाता था तो वो आसपास के मोहल्ले वाले और वो लोग काफ़ी एक्साइटमेंट होता था उनके लिए कि कोई दिल्ली से इनका फ़ोटो खींचने के लिए आ रहा। तो उसके वजह से उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलता था, उनको लगता था गांव वालों को कि इसके अंदर कुछ तो है कि दिल्ली से कोई इसका फ़ोटो खींचने के लिए इतने दूर से आया है। तो उनको गाँव में फिर थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाता है। तो इस तरह का जो मैंने थोड़ा बहुत फील किया हूँ। तो अभी तक जितने स्टोरी हमने एवरीवन इज गुड एट समथिंग में शूट किया, तो जैसे मैं 2 स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ जिनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ और काफ़ी सीखने को मिला है। तो एक हमने पहलगाम में आमिर हुसैन लोन की स्टोरी शूट की थी, और आमिर के दोनों हाथ नहीं है यहाँ से। और आमिर क्रिकेट खेलता है और अपने कश्मीर पैरा ओलंपिक टीम का कैप्टन भी है। तो आमिर पाँव से बॉलिंग कराता है, और जब वो बैटिंग करता है तो अपने कंधे में अपने बैट को फंसा करके और फिर वो बैटिंग करता है।
तो उससे एक चीज़ पता चलता है कि मतलब जब हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि लोगों के पास हाथ होते हुए भी वो अच्छे से बॉलिंग नहीं करा पाते हैं, बट उसके पास दोनों हाथ नहीं होते हुए भी मतलब वो पांव से बॉलिंग करा रहा है और बैटिंग कर रहा है जिस तरीके से, तो उन्होंने अपने जज्बात को कभी कम होने नहीं दिया और बिल्कुल उसको। अभी थोड़े टाइम पहले मैं वीडियो देख रहा था कि सचिन तेंदुलकर ने उससे मिलने के लिए गया, जब अभी वो लास्ट कश्मीर गए थे सचिन, और उसके बाद सचिन ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था और जिसमें वो आमिर को भी के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तो आमिर का टी शर्ट सचिन पहना था और सचिन का टी शर्ट आमिर पहना था, तो देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा कि आमिर के लिए सचिन भी थोड़ा कुछ कर रहा है। एंड दूसरा एक स्टोरी मैंने गुवाहाटी में शूट किया था, तो उसका नाम था गोविंद मजुमदार, आप हमारे वेबसाइट में जा करके देख सकते हैं। तो जब मैं गोविंद का गांव गया तो वो काफ़ी गुवाहाटी से दूर था और करीब हम 2-2.5 घंटे ड्राइव करने के बाद एक जगह पे पहुँचे और गाड़ी उसके घर तक नहीं जाती है, तो हमें 1.5 किलोमीटर फिर पैदल चलना पड़ा उसके घर के लिए। तो जब मैं उसके घर पे पहुँचा तो और वो पहले टच किया पूरे शरीर को कैमरे को, और मेरे साथ एक ट्रांसलेटर था तो वो उनको बताया कि तुम्हारा फ़ोटो खींचने के लिए आया था, तो वो उनको कह रहा था कि मुझे ना एक बार ट्रेन में चढ़ना है और दिल्ली जाना है क्योंकि मुझे ट्रेन का हाइट का पता नहीं है, तो वो उनके हाथ टच करके उसको बता रहा था कि मुझे ट्रेन पे जाना है इस तरीके से, तो वो बता रहा था कि क्या क्या सीखना। तो मैंने देखा कि वो ब्लाइंड है और सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, उसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ थे, ठीक है, बट वो घर का सारा काम करता था। तो लाइक मैंने देखा कि वो गाय को खाना बना करके दे रहा, खेत में जा करके वो धान काट रहा, ठीक है, नारियल के पेड़ पे चढ़ करके वो, जब मैं घर पहुंचा तो उन्होंने नारियल के पेड़ पे चढ़ के मेरे लिए नारियल तोड़ा, तो मुझे अंदर से डर लग रहा था कि मतलब इसको दिखाई नहीं देता और ये चढ़ गया, अगर मेरे वजह से गिर गया तो मुझे बड़ा गिल्ट फील होगा, बट वो बिल्कुल अच्छे से जा करके तोड़ के लाया और फिर नारियल काट के भी दिया। एंड वो रस्सी बनाता है और संडे को वहाँ हाट लगता है, तो वो संडे को जा करके वो गाय के गले में जो रस्सी होता है वो रस्सी बेच करके खुद आता है। तो जब मैं रिटर्न आ रहा था तो मुझे अपने टीचर के थ्रू वो कह रहा था कि उसको शादी करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा भाई मेरे से छोटा है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए हैं और मुझे अभी तक लड़की नहीं मिल रही है, तो बोल रहा है कि मैं एक दुकान खोलूँगा और दुकान खोलने से मुझे लड़की मिल जाएगी। तो मतलब काफ़ी बढ़िया लगा कि यू नो कि जब मैं गया तो वो इतना इतने मल्टीपल डिसेबिलिटी होते हुए भी मतलब मेरा वो ध्यान रख रहा था एक तरीके से। हम उतना किसी का केयर नहीं करते जब कोई आता है, बट उनको इतने डिसेबिलिटी होते हुए भी वो इस तरीके से ध्यान रख रहा था, तो वो मेरे लिए लाइक एक बहुत प्राउड मोमेंट था कि वो इस तरीके से मेरा केयर कर रहा था। फिरोज भाई ने जब से ये फाउंडेशन स्टार्ट किया और वो हर साल बैंगलोर में एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है इंडिया इंक्लूजन समिट, जो काफ़ी बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम होता है, और मैं पूरा इंडिया घुमा हूँ और मैंने कहीं पे नहीं देखा हूँ डिसेबिलिटी का इस लेवल का प्रोग्राम, जिस तरीके से वो करते हैं, जिस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह का वेन्यू उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है कि सारा एक्सेसिबल होना चाहिए। तो वो 2012 से ये प्रोग्राम कर रहे थे हर साल, और इंडिया इंक्लूजन समिट में कोई स्टाफ नहीं है, तो जितने लोग काम करते हैं सारे एज ए वॉलेंटियर काम करते हैं, और 2021 से उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एवरीवन इज गुड एट समथिंग, जब मैं उनसे मिला और हमने ये स्टार्ट किया। तो इंडिया इंक्लूजन फाउंडेशन का ये एक दूसरा पार्ट है EGF, और इसमें भी टोटल 20-25 वॉलेंटियर है, क्योंकि फोटोग्राफी करने के बाद ये काम ख़त्म नहीं होता, उसके बाद मुझे उनका नंबर डिटेल सब कुछ, एक जो मेन राइटर है सीके मीना उनको मुझे भेजना होता है, फिर मीना मैम के अंडर में कई सारे वॉलेंटियर है जो इंटरव्यू करते हैं, तो हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, तो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से हमने वॉलेंटियर ढूंढ रखा है। तो उनका काम होता है कि अगर मैंने बंगाल में शूट किया तो जो बंगाली वॉलेंटियर है उनको बताना पड़ता है कि यहाँ पे मैंने स्टोरी शूट किया, तो वो उनका इंटरव्यू कर ले, फिर वो एक ड्राफ्ट बना के मीना मैम को भेजती है, फिर मीना मैम उसको थोड़ा पॉलिश करके लिखते हैं। तो आंध्रा में जैसे अलग लैंग्वेज है, केरला में अलग लैंग्वेज है, तो वो एक लैंग्वेज बैरियर भी है मेरे लिए भी जब मैं शूट करने के लिए जाता हूँ। तो अलग अलग टीम इन सब चीज़ों के देखती है, और उसके बाद फिर आता है जो टेक टीम है वो अलग है, जो डिज़ाइन टीम है अलग है, वेबसाइट के लिए अलग है, जो स्टोरी डालते हैं वो अलग पर्सन है, जो इंस्टा फेसबुक पे स्टोरी डालते हैं उनके लिए अलग है, बट जितने लोग हैं ये सारे वॉलेंटियर है, किसी को इसमें से कोई पैसा नहीं दिया जाता है। और तो इस तरीके से ये इनिशिएटिव चलता है, और
बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ इस इनिशिएटिव के साथ, और कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ या सीखने को नहीं मिल रहा। जब मुझे पता है कि मैं एनजीओ के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे भी अपने बाउंड्रीज पता है कि अगर मुझे फ्रीडम दे रखा है तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ तो बहुत महंगे होटल में रुक रहा हूँ। तो मैं मुझे पता है मैं एनजीओ के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक लिमिट वाले होटल में रहूँ जहाँ पर मुझे साफ़ सुथरा बाथरूम और रूम मिल जाए, ताकि तो क्योंकि मुझे लगता है कि उस पैसे को और चीज़ों में यूज किया जा सकता है। तो इस वजह से मैंने भी अपने लिमिटेशन बांध रखी और उस तरीके से हम काम करते हैं इसमें। तो मैं चाहता हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मैं चाहता हूँ कि उनके साथ हम इस प्रोजेक्ट को लेकर कोलाबरेट करें, जो हमारे एवरीवन इज़ गुड एट समथिंग है, और जो हमारी स्टोरी है हम चाहते हैं कि जो इनके सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि हम चाहते हैं कि अवेयरनेस हो इससे और ऑर्गेनिक तरीके से अवेयरनेस हो। तो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर हम इस पे इनिशिएटिव में कोलाबरेट करके और इसको हम आगे और अच्छे तरीके से कर सकें। तो जैसे मुझे पता है कि जब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री के थ्रू बहुत सारे एनजीओ को फ़ंड मिलता है, चाहे सीएसआर फंड हो या गवर्नमेंट के फंड हो, तो मेरे दिमाग में था कि अगर इन फ्यूचर हम कुछ कोलाबरेट कर सकें कि नॉट कि किसी को डिसेबिलिटी है हम उनको पैसा दे दें, मुझे लगता है कि अगर पैसे की जगह हम उनको कुछ स्किल प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि स्किल प्रोवाइड करने से उनके कई जनरेशन की लाइफ सुधर जाती है। तो जैसे मुझे फोटोग्राफी आता है या वीडियोग्राफी आता है, और मुझे पता है कि जैसे जो बहुत सारे व्हील चेयर पर्सन है वो वॉक नहीं कर सकते, बट वो बैठ के एडिटिंग कर सकते हैं, और आजकल लाइक इतने रील बन रहे, इतने वीडियो बन रहे, तो मे बी वो किसी का वीडियो और रील ये सब एडिट कर दे बैठ के, तो उससे घर बैठे उनका एक इनकम जनरेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले गवर्नमेंट के थ्रू या किसी सीएसआर फंड से, तो मैं एक ऐसा सेंटर सेटअप करना चाहूँगा जिसमें मैं डिसेबल लोगों को फोटोग्राफी, वीडियो, फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग, इन सब की मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकूँ उन लोगों को। तो उसके लिए जो भी इक्विपमेंट है, स्पेस है, ये अगर मुझे कभी मिले तो मैं डेफिनेटली इस फील्ड में थोड़ा सा काम करना चाहूँगा, ताकि उनको एम्पावर कर दूँ मैं।